मेरा गांव मेरा देश, ये वो मुहिम है जिसके जरिए हम हुक्मरानों को जगाते हैं, आम जनता की समस्याओं को उठाते हैं, आम जन की समस्याओं को उन अधिकारियों तक पहुंचाते हैं जो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सवाल सीधे तौर पर पूछते हैं कि आखिरकार कब तक इस समस्या का समाधान होगा। हर खबर राजनीतिक गलियारों की खबरें नहीं होती, वो खबरें जो सीधे तौर पर आम जन से जुड़ी होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, वो मुद्दे जिससे आवाम जूझती है। उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश, आवाम की आवाज बनता है मेरा गांव मेरा देश। इस कार्यक्रम के जरिए ना जाने कितनी खबरों पर मोहर लगी, कितनी खबरों पर असर हुआ, लेकिन यह मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक आप हमारे साथ खड़े हैं। आज एक ऐसी ही हकीकत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो समस्या पहाड़ की पीड़ा को बताती है, जतलाती है, पहाड़ की चुनौतियों को बताती है। बड़े बड़े गड्ढे हैं जो हादसों को न्योता देते हैं। उत्तराखंड में पुलों का हाल किसी से छिपा नहीं है, पुल पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में पुल है, लेकिन सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। नौकरशाह उत्तराखंड में कितने गैर जिम्मेदार हैं ये किसी से छिपा नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझते। हद तो तब हो जाती है जब शिकायत करने के बावजूद भी शिकायतों पर अमल नहीं होता। विभाग की बड़ी लापरवाही का आलम यह है कि पिछले 2-3 सालों से चमोली का नारायण बगड़, वहां के लोगों के लिए बहुत जाना पहचाना नाम, बहुत जानी पहचानी जगह, चोपता मोटर पुल का एक छोर बड़ा सा गड्ढा वहां पे बना हुआ है। आप कहेंगे बहुत आम खबर है, लेकिन यह आम खबर नहीं है। यहां हादसे होना आम बात है। लोगों ने अपनी जिंदगी की नीति मान लिया है भयानक हादसों से लोग दो चार होते हैं। इस मोटर पुल से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, छोटे मासूम स्कूल बच्चे इसी पुल से होकर गुजरते हैं। खुदा ना खासा, भगवान ना करे कि अगर कोई हादसा हो गया तो सवाल यही कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। कई बार स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग को शिकायत की, वोट मांगने आए उनसे भी बोला, लेकिन फिर भी किसी ने सुध नहीं। आज उन्हीं की आवाज उठाएंगे इसी मन से मेरा गांव मेरा देश में। पहले ये रिपोर्ट देखिए जो हमारे सहयोगी ने तैयार किया, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और जगाएंगे हुक्मरानों को जो सोए हुए हैं। पुल पर गड्ढे दे रहे हैं हादसों को दावत। पुल का हाल कर रहा शर्मसार। उत्तराखंड की ये तस्वीर डरा देगी। कहा जाता है कि किसी भी देश या प्रदेश के विकास की तस्वीर वहां की सड़कों से झलकती है, लेकिन उत्तराखंड में पुल की यह तस्वीर इतनी भयावह है कि किसी ना किसी भयानक हादसे को निमंत्रण दे रही है। दरअसल नौकरशाह उत्तराखंड में कितने गैर जिम्मेदाराना है इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2-3 सालों में नारायण बगड़ परखाल चोपटा मोटर पुल के एक छोर पर बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है। रोजाना आम लोगों का सामना इस गड्ढे से हो रहा है। यहाँ से शहर और पर्यटन स्थलों तक जाने वाली सड़कों की हालत दयनीय बनी हुई है। हालत ये है कि इन सालों में कई बाइक सवार इस गड्ढे की शिकार भी हो चुके हैं। बता दें 2-3 सालों से जो कि बवंडर नदी के ऊपर बनाए गए स्कूल है, वहाँ से छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा मुश्किल बनता जा रहा है। इस मामले को लेकर जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने स्कूल के अध्यापक से बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। बारे में हम पहले भी जो है कई बार यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी जो है इस बात की शिकायत कर चुके हैं, और कई बार हमने खुद जो है ये गड्ढा दिख रहा है आपको, इसमें हमने जो है पत्थर डाले सर, क्योंकि हमारा भी स्कूल यहाँ पे पढ़ता है और इधर से आने वाले जो सरस्वती शिशु मंदिर है वो बच्चे भी यहाँ से आते जाते रहते हैं, तो कई बार किसी का छोटे बच्चों का पांव इसमें जा सकता है। और सबसे दिक्कत जो है रात की बात है कि रात में अगर कोई
या वाहन वाला, दुपहिया वाहन वाला, वो भी जो है इसमें फंस सकता है और चोट वगैरह वगैरह उनको लग सकती है। तो इसमें अभी तक कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि ये ब्लॉक हेडक्वार्टर है और यहाँ पे तमाम प्रकार की जो है गाड़ियाँ यहाँ पे जाती रहती है और अधिकारी लोग भी यहाँ से जाते रहते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है सर कि इस प्रकार से इसको अनदेखा किया जा रहा है। वही इस लापरवाही को लेकर हमने जब बच्चों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो इस पुल पर रोजाना खेलते हैं, रोजाना वो स्कूल जाने के लिए इस पुल से आते जाते रहते हैं। उन बच्चों ने ये भी बताया कि 4 साल से ये पुल जस का तस बना हुआ है। जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो मेरे भाई बहन और हमें यह डर रहता है कि हम कहीं यहाँ पर गिर ना जाएं। जब बहुत तेज से दौड़ते हैं तो हमें यही बात का डर रहता है कि कहीं हम गिर ना जाएं। ये लगभग 1-2 साल से तो हुई है। हाँ, नहीं कोई इसके बारे में कुछ नहीं सोचता। हमने यहाँ पर रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता से बातचीत की तो उन्होंने रोजाना आने जाने वालों की समस्याओं को सामने रखा। वही स्थानीय लोगों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग में इसकी कई बार शिकायत दर्ज कर गड्ढे को ठीक कराने की गुहार लगाई गई, लेकिन लगता है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है। यहाँ पर क्योंकि शिशु मंदिर के बच्चे भी आते हैं और यहाँ पे विद्यानिकेतन भी है, GGIC भी है, इंटर कॉलेज भी, सारे बच्चे आते जाते हैं और कई बच्चे दौड़ दौड़ के आते हैं और कई बार यहाँ पे हादसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है, कभी कहीं किसी बच्चे का यहाँ पे हादसा हो सकता है। और मेरा शासन से यही अनुरोध है कि इस पर जल्दी से ध्यान दिया जाए। कई सालों से हम लोगों की मांग है, कई लोगों से हम अनुरोध किया कई सालों से कि आप ये बनाइए, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण कभी भी यहाँ पे कोई हादसा हो सकता है। अगर कभी कोई हादसा होगी इसकी जिम्मेदारी पूरे प्रशासन की रहेगी, विभाग की रहेगी। अब आसानी से समझा जा सकता है कि लापरवाह अफसर शाह और जनता की शिकायतों की किस तरह पहाड़ों में अनदेखी किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। हाँ हाँ बोल दीजिए सर। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन है ये। तो इसलिए जितेंद्र जी आपकी यानी लोक निर्माण विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, आप ये कह रहे हैं। जी तो अगर कोई हादसा होगा तो आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं है, आप ये कह रहे हैं। नहीं सर, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि मैंने आपके संज्ञान में लेकर आया मामला, आप ये कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं ये मान लूं ना कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, अगर कोई हादसा हो जाता है तो आप जिम्मेदार नहीं होंगे इसके। आप जिम्मेदार नहीं होंगे ना। आपने अवगत करवाया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आपने उनको अवगत करवाया कि हमारे पास ये मामला आया, आप इसको संज्ञान लीजिए, कल को कोई हादसा हो जाएगा तो फिर? आप तो कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन जिम्मेदारी हर उस जिम्मेदार व्यक्ति की बनती है जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ है सर, जैसे कि आप। तो आपने इसके लिए कुछ मदद की क्या वहां के लोगों की, क्योंकि आप भी मुलाजिम है, मैं भी मुलाजिम हूँ सर, आप जनता के मुलाजिम है ना सर, तो जनता के मुलाजिम है तो जनता की आवाज तो सुननी पड़ेगी ना सर, क्योंकि वही टैक्स देते हैं और उसी से आपको भी तनख्वाह मिलती है सर, है कि नहीं? नहीं, जो चीज हमारे पास नहीं है वो अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जाए। तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए? जी बिल्कुल, कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, आप एक बार फिर से दोहरा दीजिए, आपके नए मुख्यमंत्री को यही सब भेजता हूँ मैं अभी, आपके नए मुख्यमंत्री जो बन रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनको यही भेजूंगा, कहूंगा जितेंद्र जी लोक निर्माण विभाग वाले जितेंद्र जी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हादसा होता हो जाए, बच्चे मरते हैं मर जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। जो चीज हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारे आपने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन है, तो आप मुझे ये बता दीजिए ना कि आपने उन लोगों को अवगत करवाया, उस जिम्मेदार विभाग को अवगत करवाया कि आप? हमने अब तक नहीं कराया। क्यों नहीं करवाया आपने? यानी ये उनकी हेडेक है, आपकी हेडेक नहीं है कि आप उनको ये बताएं कि ये हमारे अधीन नहीं आता, ये उनके अधीन आता है कि उनको काम करना है। आप ये कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, हम उनको अवगत भी नहीं करवाएंगे, आप यही कह रहे हैं ना जितेंद्र जी? जी जी। जितेंद्र जी, मैं आपसे जान सकता हूँ कि आप किस पद पर है लोक निर्माण विभाग में? सर थोड़ा तेज बोलिए, जनता सुन रही है, लाइव है इस वक्त। इस वक्त किस पद पर है आप सर? थोड़ा क्लियर बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए, जनता सुन रही है, आपके मुख्यमंत्री भी सुन रहे होंगे, क्या पता, बोलिए ना। सहायक अभियंता के पद पर हैं जी। सहायक अभियंता हैं जितेंद्र जी, तो जनता जो इस वक्त लाइव सुन रही है, जितेंद्र जी ये कह रहे हैं कि भैया मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं लोक निर्माण विभाग पे सिर्फ सैलरी लूंगा, सैलरी लेकर चला जाऊंगा, जनता मरती है तो मर जाए, यही कह रहे हैं ना जितेंद्र जी? काम नहीं है,
अगर मैं अपने कार्य क्षेत्र के बाहर कार्य नहीं कर सकता ना। सर आप तो अवगत ही नहीं करवा रहे विभाग को, मैं ग्राउंड जीरो पर मेरी टीम मौजूद है। एक मिनट सुरेंद्र, एक मिनट सर, अभी बताता हूँ ना मैं, एक मिनट, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, हमारा काम है माध्यम बन रहा, जनता की समस्या है, हमने आपको बता दिया ये समस्या है, आप कह रहे हैं मेरा जिम्मा नहीं है। मैं एक मिनट पूछ लेता ना सुरेंद्र, मैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर ही, उसी जगह पर, उसी पुल पर। सुरेंद्र ये तो जितेंद्र जी कह रहे हैं भैया ये तो हमारे जिम्मे है ही नहीं, विभाग, लोक निर्माण विभाग का जिम्मा है ही नहीं, कोई मरता है तो मरे, हमें क्या लेने देना। जी बिल्कुल, असल में बात यह है कि ये जो पुल है पिछले दो या तीन दशकों से लोक निर्माण विभाग यानी कि जितेंद्र कुमार जो सहायक अभियंता है उनके अधीन था, और ये आज भी स्पष्ट नहीं है कि अभी जो PMGSY के बाद जो ये पूरी सड़क गई है उस पर सुधारीकरण डामरीकरण का काम पिछले दो ढाई सालों से चल रहा है, लेकिन ये गड्ढा जो है उससे पहले का अगर ये हस्तांतरण हो गया है PMGSY के लिए तो वो अलग बात है, लेकिन ये आज भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे बीच कनिष्ठ प्रमुख हैं देवेंद्र सिंह नेगी जी, उन्होंने बताया कि किस ढंग से उन्होंने PMGSY के लोगों से भी कहा, लोक निर्माण विभाग के लोगों से भी कहा, लेकिन जिस ढंग से जितेंद्र कुमार कह रहे हैं कि हम इस पुल से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं, लेकिन ये भी सरासर गलत। मैं पूछ लेता हूं जितेंद्र जी, ये पुल आपके अधीन था ही नहीं कभी, आप ये कह रहे हैं हमारे अधीन था, वर्तमान में हमारे अधीन नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। ओके, पहले था अब नहीं है, बहुत बढ़िया सर। PMGSY के पास चली गई है। कब 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 तक था, कब तक था, कब तक ये बताइए, कब तक था ये? लगभग दो तीन साल पहले चली गई है, दो साल पहले लगभग PMGSY के पास। दो साल तक था, दो साल के बाद नहीं है? दो साल पहले PMGSY के पास चली गई, दो साल से हमारे पास नहीं है लगभग। दो साल से आपके पास है ही नहीं है पुल? नहीं। आप प्रधानमंत्री गरम जो है ग्रामीण सड़क योजना के पास है ये पुल, आप ये कह रहे हैं जी, जी। तो आप हमारी मदद कर सकते हैं सर, आप लोग अगर उनको अवगत करवाएं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारा कोई जिम्मा ही नहीं है, आप मदद कर सकते हैं कि नहीं? मैं मौखिक दुर्वासपुर उनके सहायक अभियंता से बात कर सकता हूँ, लिखित में जब तक हमारे पास पुल से शिकायत नहीं आएगी हम लिखित में बिना फॉरवर्ड। नहीं नहीं, लिखित रूप से क्यों नहीं, आप मौखिक रूप से कर सकते हैं, लिखित में क्यों नहीं? जितेंद्र जी आप लिखित में क्यों नहीं कर सकते, मैं जान सकता हूँ? लिखित में पुल से संबंधित कोई शिकायत नहीं आई हमारे पास अभी तक। आपके पास कोई शिकायत ही नहीं आई, तो आपको कैसे मालूम चला कि वहाँ पर इतनी बड़ी दिक्कत है, आपको कैसे पता चला? मैं जाता हूँ रोज, मेरा। अच्छा, उस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते से जाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप जब तक कल अभी लिखित कंप्लेन करवा दूं या कल करवा दूं, आप बताइए, जब आप बोलेंगे मैं तब करवा दूंगा। जब आप करना चाहें तब कर सकते हैं। मैं तो अभी करवा रहा हूं मौखिक रूप से, लिखित में करवा देता हूं। अभी कर दीजिएगा, लिखित कंप्लेन करवा दूं। आप कहां पर है, आपका आवास कहां है, कहां पर भेजूं इनको? आवासीय कार्यालय में भेज दीजिएगा, फिर लोग लोक निर्माण खाली के कार्यालय में भेज दूं। सर एक मिनट लाइन पे रहेगा प्लीज, मेरी गुजारिश है। सुरेंद्र आवाम से पूछिए, जितेंद्र जी कह रहे हैं मेरे पास एक कंप्लेन भी नहीं आई, जितेंद्र जी झूठ बोल रहे हैं या जनता झूठ बोल रही है, पूछे जितेंद्र जी, कह रहे हैं कि अभी भेजो लिखित कंप्लेन। तो आप जैसे हमारे बीच जो यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता बिल्कुल पुल के पास ही इनका तो पूछिए, जितेंद्र जी कह रहे हैं कंप्लेन अभी लिखवाओ, इनका फोनो प्लेट जा रहा है कि मैं पैसा जानना चाहूँ, आप लोगों की जो कंप्लेन हुई या नहीं हुई क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस मामले को संज्ञान में लिया। जब जो पिछले साल इस पुल की रिपेयरिंग हो रही थी तो उस समय यहाँ पर जो जे और ए लोग आते थे उनके सामने मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जो पूर्व जनप्रति भी रहा हूँ, मैंने संबंध में बात करी, उन्होंने बोला हो जाएगा और हम जब इसका काम फिनिशिंग होगा तो हम कर देंगे। ये बिल्कुल ये गड्ढा जी तो पुल के लोहे की जो तो एक जो एप्रिन है उसी के अंदर है ये, मैं सोचता हूँ कि अगर ये जो तो सड़क पे हो तो सड़क पर नहीं है, बिल्कुल लोहे की एप्रिन के अंदर है ये गड्ढा बना हुआ है, उसमें से जो तो सरिया उखड़ी हुई है। सुरेंद्र ये पूछिए जितेंद्र जी को लिखित में शिकायत दी या नहीं दी, कभी उन्होंने लोक निर्माण विभाग को बताया? जितेंद्र जी लाइन पर है, वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं बताया किसी ने, ये तो मैं वहां से जाता हूं तो मैंने देख लिया कि वहां पर इस तरह के हालात हैं। पूछिए जरा जनता से कि कभी कोई लिखित कंप्लेन दी है क्या कि नहीं? मौके पे आपके इंजीनियरों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में हम जो जो कर रहे हैं और ये हमारी प्रायोरिटी में है, फिर भी उन्होंने नहीं करा तो हम इससे ज्यादा आश्वासन और क्या ले सकते थे? सर मेरी टीम भी ना आपके विभाग की तरह है, आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा मुझे, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना जानना है आपसे कि जितेंद्र जी लाइन पर हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास कोई लिखित कंप्लेन नहीं आई, अगर मेरे पास कोई लिखित कंप्लेन आती तो मैं इसको ठीक करवाने की कोशिश करता, क्योंकि वो मेरे अधीन नहीं है, लोक निर्माण विभाग के अधीन ही नहीं है, दो साल पहले था।
पिछले साल तो सब इसमें काम हुआ, दो साल पहले इसमें जो पीएमजीएसवाई का काम जिसमें जो पिछले साल हुआ, दो साल पहले कैसे नहीं था ये तो वही जान सकते साहब। पिछले साल तो यहाँ पे काम हुआ और यह जो पुल की पेंटिंग हुई वो जो पेंटिंग के ठेकेदार और जिन्होंने इस पर जो तो रिपेयर किया वो तो पीडब्ल्यूडी से उनका ठेका था, तो ये कैसे बोल रहे हैं साहब इस बारे में मैं नहीं जान सकता हूँ। अच्छा ये कह रहे हैं मुझे कैसे बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं मुझे लिखित कंप्लेन दे दो, कह रहे लिखित में कंप्लेन दे दो, अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ कार्यालय में। फिर भी लिखित कंप्लेन दे देंगे साहब, आप लिखित कंप्लेन दीजिए जितेंद्र जी, जितेंद्र जी आप इसे कंप्लीट करवाएंगे ना? बिल्कुल लिखित कंप्लेन। जितेंद्र जी ने फोन काट दिया लेकिन वो लग रहा है आपका वेट कर रहे होंगे लिखित कंप्लेन के लिए। आप सर लिखित कंप्लेन करवाइए, जितेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं पक्का कोशिश करता हूं लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधीन पुल नहीं आता है। ये बड़ी थ्योरी है सर, ये नहीं समझ में आई मुझे, ये मिस्ट्री बन गई। वो कह रहे हैं मेरे अंदर मेरे अंतर्गत नहीं है, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन है और आप कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के अधीन है लोक निर्माण विभाग। ये तो पीडब्ल्यूडी के अधीन है, जब कोई हस्तांतरण हुआ होगा तो इनके पास कागज होगा, ऐसे तो खाली मुख जवानी हस्तांतरण नहीं हुआ होगा, इनके पास कुछ कागज होंगे, इन्होंने अगर हस्तांतरण कर दिया है तो उसमें सारा स्पष्ट होगा कि कब हस्तांतरण हुआ है। ये ऐसे ही हमको जो बेकूफ नहीं बना सकते हैं, तो आप बात का जो तो लिखित प्रूफ दिखाना होगा सर कि हम ये पुल कब हस्तांतरण हुआ। आप एक काम करेंगे, जनता के संज्ञान में, हमारे संज्ञान में है कि ये पुल अभी भी लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है, क्योंकि इस पर लोक निर्माण विभाग ने अभी अभी जो इसके जो प्लेटें बदली है वो काम लोक निर्माण विभाग का ही था। आप एक काम करेंगे, 10 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन जी, हो सकता है कल ही आ जाए रंग पुताई करने के लिए सारे यहाँ। इसको जी, इसका जी, एक उदाहरण देता हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में ये जो लाइव चल रहा है इसका लिंक दूंगा आपको। क्या दूंगा? एक लिंक आएगा, यूट्यूब का एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना और सबको भेज देना थराली में, ठीक है सर? सबको भेज देना आप, क्या सबको भेजना है? आपको सबको भेजना है और कहना कि देखो न्यूज वर्ल्ड इंडिया वालों ने चलाया और उसके बाद भी ये कार्रवाई नहीं हो रही। जी। आपको ये करना है कि न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने चलाया उसके बाद कार्रवाई अब होगी, तब भी होगी, गारंटी दे रहा हूं 10 दिन में हो जाएगी। 10 दिन तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं। मैंने एक एक घंटे में कार्रवाई होते हुए देखा है। भोपाल राम टमटा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये विधायक है वहां के। टमटा जी बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद टमटा जी, कैसे हैं आप? जी सब ठीक है, सब ठीक है सर। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो विधायक बनने की। धन्यवाद धन्यवाद सर। देखिए आप सरकार का हिस्सा हैं, विधायक बने हैं, जनता ने आपको जनप्रतिनिधि बना के चुना है और आपका सौभाग्य ये कि सूबे की सबसे बड़ी पंचायत में आप इनकी आवाज़ उठाएंगे और हमारा भी एक दायित्व है, कर्तव्य है, हम वहाँ के लोगों की और ख़ास तौर पर उत्तराखंड के लोगों की आवाज़ को आप लोगों तक पहुँचाते हैं। आप विधायक बने हैं तो मैं आपके संज्ञान में एक मामला लेकर आने वाला हूँ और मैं आपसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप उस मामले में तुरंत कार्रवाई करें क्योंकि वो कभी भी हादसे को न्योता दे सकता है। यह मसला है आप ही के क्षेत्र का, नारायण बग्गा परखाल चोपता मोटर पुल का। आपके संज्ञान में यह मामला है सर, चोपता मोटर पुल? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कल जो चैनल के माध्यम से जो भी आए थे हमारे क्षेत्र से, ये पहाड़ टीवी हो या कोई और अन्य चैनल के माध्यम से मैंने इसको देखा है और निश्चित रूप से चूंकि मैं अभी देहरादून में हूँ, जैसे ही शपथ ग्रहण की कार्रवाई पूरी होती है और हो सकता है मे भी हाउस चलेगा, उसके तत्काल बाद मैंने उस लोकेशन को देखा है क्योंकि वहाँ पर जो हमारा एक हिस्सा है मोटर पुल का उसमें तो प्लेटें लगी हुई हैं, लेकिन जो पैदल आने जाने का रास्ता है उसमें कहीं ना कहीं वो कंक्रीट टूट गई है, वहाँ पर बड़ा सा छेद हो रखा है, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हादसा वहाँ पर हो सकता है जी। और उस बात का मैंने उसको देखा है तो मैं समझता हूँ कि उस पर तत्काल उसकी मरम्मत की आवश्यकता है वहाँ पर। विधायक जी हमारी चिंता इस बात की है कि वहाँ से स्कूल के बच्चे गुजरते हैं। जी जी, और मैं चाहूंगा कि आपने देखिए कल ही शपथ ली है और विधायक के रूप में शपथ ली है और मैं चाहूंगा कि आप थराली की जनता का विश्वास भी जीतें और खूब तरक्की करें और खूब अच्छे से अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करें। तो मैं आपसे गुजारिश चाहता हूं सर, एक छोटी सी गुजारिश है। आप भले ही देखिए सर देहरादून में फोन की घंटी घुमाएंगे तो आपके यहाँ एक गौरव वर्मा जी हैं, एई हैं लोक निर्माण विभाग के, आपके यहाँ जितेंद्र जी हैं सहायक अभियंता हैं लोक निर्माण विभाग के, सर एक फोन घुमाएंगे काम हो जाएगा और वहां की जनता खड़े होकर ताली बजाएगी आपके लिए, कहेगी ये होते हैं विधायक जी, करेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित, अभी आपसे वार्ता के बाद निश्चित रूप से मैं जितेंद्र जी को फोन लगा रहा हूँ, है ना जी और सर? देखो हमारे क्षेत्र की जनता ने अगर
अपार समर्थन दे करके हमको यहाँ तक पहुँचाया है। तो निश्चित रूप से भोपाल राम टमटा भी अपने एक सेवक के रूप में हमेशा अपने लोगों के बीच और क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमेशा खड़ा है। टमटा जी, कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा सर? थराली की जनता सुन रही है। आज ही मैं सहायक बनता है वहाँ पर हमारे, उनसे मैं आपके जैसी ये वार्ता हो रही इसके बाद मैं उनसे बात करता हूँ और मैं उनसे जानकारी लेकर के कुछ तत्काल साइट पर जाएं वहाँ निरीक्षण करके और जल्दी से जल्दी वहाँ पर जो रिपेयर वर्क है उसको करें। सर, मेरी टीम ग्राउंड जीरो पर ही है, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप जब बोलेंगे तब ये लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप भी देखिए कितने जागरूक है। आपने कहा तुरंत होगा, मैं चाहूंगा कि कल तक उम्मीद करूं कि ये काम पूरा हो जाएगा कल तक। मैं अभी सहायक जनता से पहले बात कर लूं, वो हेडक्वार्टर पर हैं, कहाँ हैं, ये पूरी जानकारी ले। नहीं सर, सर वो हेडक्वार्टर पर हैं, वो मुझे कह रहे थे, जितेंद्र जी से मेरी बात हुई, सहायक अभियंता जो हैं, वो मुझसे ये कह रहे थे कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जिम्मेदारी बनती है। मैंने उनसे कहा कि जो आपने हस्तांतरण किया होगा जब ये पुल, तब उसके कागजात होंगे, ऐसे तो हुआ नहीं होगा ना सर हवा में, तो वो भी नहीं दे पा रहे थे वो मुझे। तो मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि सर जिम्मेदारी किसी की भी बने, क्षेत्र आपका है तो आप इसका रास्ता तलाश लें। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप कि अगर पीडब्ल्यूडी ये कहते कि हमने हैंड ओवर कर दिया है तो निश्चित रूप से वो जिनको भी उन्होंने ये हैंड ओवर किया है, ये आज उसका जो अनुरक्षण का कार्य है, जो उसकी मरम्मत के कार्य होने हैं, मैं उसकी जानकारी लेकर के अगर उनके अलावा भी कोई और होगा तो मैं उनसे भी बात करूंगा। तो विधायक जी कल तक हो जाएगा, परसों तक जब आप बोलेंगे तब मैं टीम खड़ी कर दूंगा वहाँ पर। पहले मैं जानकारी लेता हूँ इस हिसाब से, ठीक है जी सर, क्या कहते हैं, उसके बाद में इसमें अगर वो कहेंगे कि हमारे इसमें नहीं है तो फिर देखते हैं कि वो क्या सुझाव देते हैं, वो क्या कहते हैं कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है। तो थराली की जनता इस वक्त आपको लाइव सुन रही है, तो मैं उनको क्या बोलूं कि कब तक कर देंगे विधायक जी समस्या का समाधान? निश्चित रूप से इसको एक दो दिन में, एक दो दिन में इसको करना पड़ेगा, ठीक है ना? बिल्कुल सर, आपने कहा एक दो दिन में तो वो पत्थर की लकीर हो गई, दो दिन के बाद में मैं आपको कॉल करता हूँ सर। ठीक है, थैंक यू सो मच विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ टमटा जी जुड़े हुए थे जो विधायक है इस क्षेत्र के थराली के। सुरेंद्र, हमारे कार्यक्रम का मकसद भी यही है, हमने पहले अधिकारी को फोन मिलाया और फिर उसके बाद विधायक जी को, दोनों ने कहा कि समस्या का समाधान हो जाएगा और नहीं होगा तो फिर इस खबर को दिखाएंगे और जब तक नहीं होगा तब तक दिखाएंगे। और अब थराली की जनता को कहिए कि एक लिंक आएगा, ये सब पूरे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के इस लिंक को पूरे थराली में एक एक जन तक पहुंचाना टमटा जी ने वादा कर दिया दो दिन का, और जैसे ही वो पहुंचेंगे या अधिकारी पहुंचेंगे आप फिर पहुंचेगा ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि ये आपकी मेहनत है, आपकी खबर है और ये थराली की जनता आपको दुआएं देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, ऐसे ही काम करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो ये थे हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर जो बता रहे थे जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से पर्दा उठाने का काम हमारा है। आप लोगों की जुड़ी हर समस्या को इस मंच से उठाएंगे हम, ऐसे ही जिम्मेदार अधिकारियों को कुंभकर्णी नींद से जगाएंगे। यह है न्यूज वर्ल्ड इंडिया की मुहिम, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष, यही है मेरा गांव मेरा देश की मुहिम। कल फिर हाजिर होंगे एक ऐसी मुहिम लेकर, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।